होते, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा वापस जाते हुए बीच लाइन में लगे हुए या नंबर आने के बाद भी वापस जाते हुए। रीजन क्या था उसका, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, तो आप विद इन 2 ईयर्स के अंदर ही पीआर मिलने के एलिजिबल हो जाएंगे, आपको 3 साल वेट करने की जरूरत नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग, दिस इज अरिंदम भाटिया बैक विद यू वंस अगेन। सो आज मैं बात करने जा रहा हूँ सिटीजनशिप के बारे में, जो कि 2024 के अंदर उसका प्रोसेस कैसे दिखता है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अभी रिसेंटली में मुझे मेरा कैनेडियन पासपोर्ट मिला है, लास्ट ईयर नवंबर के अंदर मुझे मेरी सिटीजनशिप मिली थी। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जो है हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। सो सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की। रिक्वायरमेंट क्या है कि सिटीजन होने के लिए कनाडा के सबसे पहले आप पीआर होने चाहिए। जैसे ही आप पीआर होते हैं वहीं से आपका एक सिटीजनशिप का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वो ऐसे हो जाता है, जैसे ही आप पीआर होते हैं उस दिन से लेके आपको 1095 डेज आपको यहाँ पे कनाडा के अंदर स्पेंड करने पड़ते हैं, जो कि रफली 3 साल बनते हैं। अब आपका जो पीआर एक बार आपको इश्यू हो जाता है वो 5 साल की वैलिडिटी होती है उसकी, उसके अंदर आपको 3 साल यहाँ कनाडा में रुकना होता है। अब कुछ लोग क्या है कि कुछ बाहर होम कंट्रीज में घूमने जाते हैं या वैसे ट्रैवलिंग के लिए घूमने जाते हैं, जितने भी टाइम आप उस 5 साल के अंदर आप बाहर जाएंगे, उतने डेज जितने दिन भी आप बाहर गए हैं उतने दिन जो है आपके डिडक्ट हो जाएंगे। सो लेट्स से आपने बोला कि मुझे पीआर मिले हुए 3 साल हो गए, तो अब मैं पीआर अप्लाई कर सिटीजनशिप अप्लाई कर सकता हूं। जी हाँ, कर सकते हैं। बट अगेन, अगर उन 3 सालों के लिए आप उस बीच में अगर आप इंडिया गए हैं घूमने के लिए 1 महीने के लिए, या आप यूएस 1 हफ्ते चक्कर काट के आए, या आप यूरोप गए हैं किसी ट्रिप के लिए, तो वो जो टाइम है वो आपका माइनस हो जाएगा। तो उतना ही टाइम आपको और एड ऑन करना पड़ेगा उसके लिए एलिजिबल होने के लिए। ये तो बात हो गई जो लोग पीआर डायरेक्ट आते हैं उनको यहाँ पे 3 साल रुकना होता है, बट कुछ लोग यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आते हैं फिर वर्क वीजा पे जाते हैं देन दे गेट अ पीआर। तो जो लोग भी वर्क वीजा के ऊपर 1 साल या उससे ज्यादा काम करते हैं उनका वो 1 साल जो है काउंट होता है टूवर्ड्स ये 3 साल के। तो 1 साल आपका वर्क वीजा के ऊपर और 2 साल आपके पीआर मिलने के बाद के, टोटल हो गए 3 साल। तो आप लोग जो है, जो मेरे वाला केस हो गया राइट, मैं भी एज अ स्टूडेंट आया था, मैंने भी वर्क वीजा लिया, फिर मैंने पीआर लिया, पीआर मिलने के बाद मुझे यहां पर 3 साल नहीं 2 साल और वेट करना पड़ा मेरी सिटीजनशिप की एप्लीकेशन को। सो ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप एज अ स्टूडेंट आए हुए हैं तो आप विद इन 2 ईयर्स के अंदर ही पीआर मिलने के एलिजिबल हो जाएंगे, आपको 3 साल वेट करने की जरूरत नहीं है। सो इसके बाद आता है एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है काफी सिंपल है, आपको करना ये, आपको गूगल के ऊपर जाके सिर्फ टाइप करना है कि एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर कैनेडियन सिटीजनशिप। जैसे ही आप जाएंगे पहले लिंक के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे, उसके अंदर आप जाने के बाद अपना प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, जैसे साइन अप करते हैं आप लोग फेसबुक के लिए या गूगल के लिए, सेम वे आपको यहाँ पे साइन अप करना है, जो कि आपके नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके ईमेल आईडी से हो जाएगा। एक बार आपने अपनी आईडी वहां पर बना ली, आपने एप्लीकेशन को क्रिएट करना है, उसके अंदर आपको पिछले 10 साल की हिस्ट्री चाहिए, जहां जहां पर भी आपने अपना काम किया है, जहां जहां पर आप रहे हैं। सो अगर कुछ लोगों ने ज्यादा जगह पर काम अपने चेंज किए हैं, या बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह में अलग अलग स्टडीज किए हैं, या और काफी सारी जगह पर अपनी जॉब्स वगैरह भी चेंज किए हैं, तो ये सारी जो उसके अंदर चीजें हैं आपको उसमें एड ऑन करनी पड़ेंगी। आई नो इस थोड़ा बहुत हैक्टिक लगता है प्रोसेस, बट इतना हैक्टिक है नहीं जितना सुनने में लग रहा है। तो आपको बस इस सिंपल प्रोसेस को जो है फिलअप करना है। इसके अंदर बैकग्राउंड चेक्स वगैरह जब आप एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं वो भी रन किए जाते हैं कैनेडियन इमिग्रेशन के द्वारा। अगर उसके अंदर उनको कुछ भी फॉल्ट लगता है या कोई भी उनको रिक्वायरमेंट लगती है, दे विल गेट बैक टू यू थ्रू द ईमेल, दे विल सेंड अ रिक्वेस्ट टू गेट अ बैकग्राउंड चेक। तो उस केस के अंदर आपको बैकग्राउंड चेक भी करवाना पड़ता है, वो तकरीबन लाइक $50 से $55 का आप किसी भी नियरेस्ट कमिश्नरेट पे जाके करवा सकते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग है वो तकरीबन इस टाइम करंट जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग है वो जो इस टाइम ले रही है वो ले रही है 8 मंथ्स के आसपास। नॉर्मली ये 1 साल से 18 महीने के बीच में रहती है, तो मेरा जो था वो विद इन 4 मंथ्स के अंदर आ गया था, बट डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन इट कुड टेक लाइक एनी वेयर फ्रॉम 3 to 4 मंथ्स टू 18 मंथ्स तक भी ले सकता है। बट करंट प्रोसेसिंग टाइम जो है अभी के टाइम पे जब आप ये वीडियो देख रहे हैं वो 8 महीने है, तो 8 महीने के अंदर अंदर आपका जो है सिटीजन आ जाना चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन जो फी है वो है $630 प्लस, आपको $630 तो देने पड़ते हैं जो एप्लीकेशन फी है, उसके साथ जो है आपको एक डिजिटल फोटो भी अपलोड करनी पड़ती है, जिसका कॉस्ट तकरीबन अगर आप यहां पर आप जाएंगे फोटो करवाने के लिए और डिजिटल कॉपी भी मांगेंगे उससे, तो वो आपको तकरीबन $31 के आसपास पड़ेगी, $30 के आसपास। वो करवानी इसलिए जरूरी है क्योंकि अपडेटेड पिक्चर जो है आपको उसमें अपलोड करनी पड़ती है। प्लस इसके अंदर एक और चीज आती है, जब आप लोग एप्लीकेशन कर रहे होते हैं आपसे पूछेगा कि आपको पेपर कॉपी चाहिए या डिजिटल कॉपी चाहिए राइट, पहले ऐसे ऑप्शंस नहीं थे, अब जो है डिजिटल कॉपी का ऑप्शन जो है उसके अंदर है, आप चूज कर सकते हैं। अगर आप डिजिटल कॉपी के लिए साइन अप करते हैं तो आपकी जो कॉपी है एक बार आपने ओथ ले ली उसके बाद 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको मिल जाती है, बट अगर आप पेपर कॉपी के लिए करते हैं
तो हो सकता है 5 से लेके और 1 हफ्ता लग जाए, 5 डेज से लेके जो है 7 डेज के आसपास आपको लग सकते हैं। तो पेपर कॉपी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होती है, तो इसलिए ये बात ध्यान रखना कि डिजिटल ले रहे हैं या पेपर ले रहे हैं। सो ये एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे आए थे राइट, जैसे आप लोग भी आए होंगे अभी एज अ स्टूडेंट आए होंगे या वर्क वीजा आए होंगे या जो मेरे साथ के लोग आए हुए हैं उनके लिए भी मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि जैसे मेरा प्रोसेस था राइट, आपको जब आपने स्टूडेंट वीजा की एप्लीकेशन की है, वर्क वीजा की है, पीआर की है, तो आपने उसके अंदर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ऐड की होती है राइट, कि मेरे पेरेंट्स ये करते थे या मैंने पहले ये वाला जॉब किया हुआ है, यहां मैं रहता था, आपने कुछ कुछ चीजें उसमें डिटेल्स में ऐड की हैं तीनों एप्लीकेशन के टाइम पे। बट जब आप सिटीजनशिप की जो एप्लीकेशन आप फिलअप करते हैं, मेक श्योर कीजिए जो आपने पहले इन्फॉर्मेशन दी है वही इन्फॉर्मेशन आपकी कंटिन्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं आपने पहले बोला है कि आप हरियाणा में रहते थे और अब आपका पता चल रहा है आप तो मुंबई में रहते थे, हरियाणा में रहते ही नहीं थे राइट। तो आपको ये मेक श्योर करना है, अगर आपने पहले हरियाणा भरा था तो उसमें हरियाणा ही है, अगर आपने पहले सो एंड सो टाइम पे लिखा था कि आप इंडिया में रहते थे तो आप इंडिया में ही रहते थे। तो ये मेक श्योर करना है जो भी आपने जॉब्स लिखी थी पहले वही हैं। तो एक बार प्लीज अपनी जो पुरानी एप्लीकेशन है अगर वो आपके पास कहीं ईमेल पे उनकी कॉपी या कहीं पर भी कुछ पड़ा है उनके साथ एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें। ऐसा ना हो कि पहले की एप्लीकेशन आपके किसी एजेंट ने भर दी थी जिसकी आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसने क्या भरा था, अब आपने अपनी तरफ से सही भरने की कोशिश करी बट वो मैच नहीं करी और सामने से उन्होंने आपकी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दी। सो इसलिए मेक श्योर करना कि जो जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल सच बोलना और प्लस जो जो आपने पहले बोला हुआ है उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ही अपनी एप्लीकेशन को फिलअप करना। कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है आपको कॉस्ट कर सकती है, जैसे मैंने आपको बैकग्राउंड चेक का बताया था कि आ सकता है या नहीं आ सकता, जैसे मेरे केस के अंदर मुझे कोई बैकग्राउंड चेक नहीं आया तो मेरी एप्लीकेशन जो थी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड गई, उसके बाद मुझे टेस्ट आया, टेस्ट के बाद मुझे ओथ सेरेमनी आई एंड देन सिटीजनशिप जो है डिलीवर हो गई। बट मेरी वाइफ के केस के अंदर जो है उन्हें बैकग्राउंड चेक आया था। तो डिपेंडिंग ऑन आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, डिपेंडिंग ऑन क्या सर्कमस्टेंसेज हैं, वो इमिग्रेशन के ऊपर है वो आपको भेजते हैं कि नहीं भेजते। ऐसा नहीं कि आप खुद से जाके अपने पैसे वेस्ट करके अपना करवा के रखिए, पहले करवाने की जरूरत नहीं है, बाद में आएगी तो आपको ईमेल के थ्रू पता चल जाएगा। तो यहां तक तो हो गया एप्लीकेशन प्रोसेस का टाइम। इसके बाद बात करते हैं जो सिटीजनशिप का टेस्ट आता है आपको। टेस्ट का क्या है, एक बार आपने अपनी एप्लीकेशन जो सबमिट कर दी राइट, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये टेस्ट जो है खुद ब खुद आपको एक ईमेल के थ्रू आएगा, उसके अंदर एक लिंक रहेगा टेस्ट करने का। जिस दिन वो ईमेल आपको आएगी उस दिन से लेके 30 डेज होंगे आपके पास उस टेस्ट को करने के। उस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए जो इनकी वेबसाइट है उसके ऊपर भी एक पीडीएफ दी हुई है, प्लस आप जो है ऑनलाइन कुछ जगह पर जाके कुछ वेबसाइट्स पे जाके आप क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफी सारी पेड भी हैं, काफी सारी फ्री भी वेबसाइट है। जो मैंने यूज करी थी मैं उसकी आपको बता देता हूँ। एक अपना टोरंटो करके वेबसाइट है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अपना टोरंटो करके वेबसाइट पे जा सकते हैं, टोटली फ्री है, किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, काफी यूजफुल वेबसाइट है, मैंने वहीं से तैयारी की थी। तो जाकर आपने सिर्फ अपने क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस तब करनी है जब आपने जो वो पीडीएफ रहेगी जो आपको उस लिंक में भी आएगी जहां पर आपको ईमेल आएगा, प्लस वो सिटीजनशिप की वेबसाइट के ऊपर भी वो पीडीएफ दे रखी है, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग जाके लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं उस पीडीएफ को। वो पीडीएफ से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मेरा सजेशन ये है जिस दिन आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है आप अपनी तैयारी भी उसी दिन से शुरू कर दो। वैसे ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं है, आपने अगर कुछ दिन पढ़ाई कर ली उस चीज की आपको इनफ आ जाएगा। 20 क्वेश्चंस का टेस्ट होता है, 20 ही नंबर होते हैं, 20 क्वेश्चन 20 नंबर, जो पासिंग मार्क्स हैं उसके अंदर रहते हैं 15 क्वेश्चंस का। अगर 15 क्वेश्चन या उससे ज्यादा ठीक हैं तो आपने टेस्ट पास कर दिया, अगर नहीं ठीक है तो आपने टेस्ट फेल कर दिया, दोबारा से देना पड़ेगा। एक बार आपने टेस्ट के अंदर बैठ गए, आपने अगर टेस्ट फेल कर दिया उसके बाद आपको सेकेंड अटेम्प्ट मिलता है, फिर थर्ड अटेम्प्ट मिलता है सेम टाइम पे राइट। तो आपके पास 3 अटेम्प्ट होते हैं उस टेस्ट को पास करने के लिए। अगर आप श्योर नहीं है टेस्ट के बारे में तो अपने 3 अटेम्प्ट जो है वेस्ट ना करें, उन अटेम्प्ट्स को रख के रखें, क्योंकि एक बार ये 3 अटेम्प्ट आपके वेस्ट हो गए तो उसके बाद आपको फिर उनको कांटेक्ट करना पड़ता है, फिर सेंटर में जाके आपको उनके एजेंट से मिलना पड़ता है, फिर वो आपका टेस्ट हो सकता है इन पर्सन बुक करे या कैसे करे। दैट्स टोटली अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोसेस, आई डोंट वॉन्ट यू टू गो ओवर देयर, बट प्रैक्टिस करो, अपना टेस्ट पास करो, एक बार पूरा पीडीएफ रीड आउट करो, प्लस जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करो। आई वुड सजेस्ट डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम देयर, ज्यादा अपने आपको कॉम्प्लिकेट करने से भी कुछ बनने वाला नहीं है। सिंपल से रीड आउट करो जैसे आप नॉर्मली पढ़ते हो, स्किम करना, एक चीज की प्रैक्टिस करनी राइट, और उसके बाद उस टेस्ट को दे दो। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है उसके अंदर, सिंपल चीजें हैं। तो यस, ये तो हो गई बात इतने तक की, आपको मैंने सारा का सारा प्रोसेस बता दिया। इसके बाद एक बार आपका टेस्ट पास हो जाएगा उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे।
सो नेक्स्ट जो प्रोसेस है आपका है ओथ सेरेमनी का। ओथ सेरेमनी जो है ना तो आप डिसाइड करते हो कि इन पर्सन होगी या ऑनलाइन होगी, ना आप ये डिसाइड करते हो कि कब होगी, किस दिन को होगी और किस टाइम को होगी। आपको एक ईमेल आता है इमिग्रेशन ऑफ कनाडा की तरफ से, वो आपको बताता है कि आपकी ओथ सेरेमनी ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, आपको इन पर्सन जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। तो ये चीजें तो हो गई आपके लोकेशन के बारे में, प्लस आता है टाइमिंग के बारे में। टाइमिंग आपको एक टाइमिंग, कोई भी टाइम कोई भी दिन आपको एक दे दिया जाएगा। नॉर्मली बिजनेस आवर्स होते हैं विद इन लाइक 9 AM to 5 PM के बीच में कहीं ना कहीं पे, तो 2 से 3 घंटे लग जाते हैं इसको सेरेमनी को करने के लिए। तो मेक श्योर कीजिए या तो उस दिन को हाफ डे ले लें या उस टाइम स्लॉट को ऑफ ले लें या पूरा दिन ही ऑफ ले लें। एक्चुअली बड़ा स्पेशल दिन होता है आप लोगों के लिए, तो इसलिए जो है ज्यादा उसको रीशेड्यूल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि सेरेमनी का जो टाइम है वो कुछ हंड्रेड्स ऑफ लोगों को साथ में देते हैं, लाइक 150-200 लोगों को साथ में देते हैं। तो इसलिए जो एक बार आप उसको कैंसिल करके दूसरी रीबुक करने की कोशिश करते हैं, वो चीज जो है आपकी 1-2 मंथ आपको डिले कर देगी। तो बेटर है जिस दिन आपको डे आया है, आपको एनीवेज पहले एडवांस में पता चल जाएगा, अराउंड लाइक 2 वीक्स के आसपास आपको पहले एडवांस में पता चल जाएगा। सो मेक श्योर अपना टाइम बुक कर लें, इट्स अ वेरी स्पेशल डे। दे इवन टेल यू कि इट्स अ वेरी स्पेशल डे, यू हैव टू रियलाइज दैट यू स्पेंड लाइक सो मेनी ईयर्स इन कैनेडा जस्ट टू गेट थ्रू कि आपको सिटीजन मिल जाए। तो इट्स अ वेरी स्पेशल डे, तो आपको मेक श्योर करना है कि गेट वेल ड्रेस्ड, गेट रिप्रेजेंटेड, लाइक अच्छे से आप अपने आप को रिप्रेजेंट करो वहां पर, अच्छे से दिखो कि मैं यहां से आया हूं, इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं। When I was doing it, there was like 140 countries से लोग थे, कुछ 200 के आसपास लोग थे उस सेरेमनी के अंदर, और ऑलमोस्ट लाइक 140 अलग अलग कंट्रीज से वो लोग वहां पर एट प्रेजेंट थे। एक ही लॉयर ने जो है वो सेरेमनी को कंडक्ट किया। अब सेरेमनी की एक और आपको बात बता देता हूँ, हो सकता है आप बीच में कहीं मिस कर जाएं। जब आपकी सेरेमनी कंप्लीट हो जाती है, आपने एक बार ओथ ले ली, आपने सब जो है उनका जितना भी प्रोसेस था ऑनलाइन वो आपने सारा कुछ फॉलो कर दिया, पीआर कार्ड आपका काट दिया जाएगा। एक बार आपने पीआर कार्ड काट दिया, ना तो उसकी सॉफ्ट कॉपी ना आप उसकी हार्ड कॉपी कहीं भी उसको एज एन आईडी के तौर पे यूज नहीं कर सकते। दैट्स गोना बी अ इलीगल डॉक्यूमेंट, यू कैन नॉट यूज दैट पीस ऑफ पेपर एट ऑल, ठीक है। उसके बाद आपको करना यह है, जैसी आपकी सिटीजनशिप की सेरेमनी जो है खत्म हो जाएगी, एक ओथ का लेटर होता है जो कि आपको वहीं से मिल जाएगा जो उस ईमेल के अंदर होगा। उस ओथ के लेटर को आपको डाउनलोड करना है, अपना नाम भरना है उसके अंदर और उसके नीचे साइन करके उसको स्कैन करके दिए हुई ईमेल के ऊपर वापस सेंड करना है। क्योंकि ओथ जो है आप ऑनलाइन जब लेते हैं, लेकिन आपको इन पर्सन में इन पेपर पे भी साइन करके उनको एज अ डॉक्यूमेंट भेजना पड़ता है। तो आपको वो साइन करने हैं, डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है और उनको वापस सेंड करना है, भूलना नहीं है। क्योंकि अगर आप वो करना भूल गए तो आपका जो है लेटर वो बना के आपको नहीं भेजेंगे, जो सिटीजनशिप का लेटर होगा। इसके बाद डिपेंडिंग ऑन आपने क्या चूज किया है, डिजिटल है या पेपर कॉपी है, आपको एक चांस वो और देते हैं। मान लो अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे भरा था डिजिटल चाहिए, नाउ यू थिंक अबाउट कि नहीं नहीं यार मुझे तो पेपर में ट्रांसफर करनी है, तो जब आपका ओथ का आपको ईमेल आता है तो उस टाइम पर भी आपके पास 1 से 2 दिन 3 दिन आपको देते हैं वो लोग, आप चेंज कर सकते हैं फ्रॉम डिजिटल टू पेपर या पेपर टू डिजिटल वाइस वर्सा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो भी आपने चूज किया है विद इन 2 से लेके 5 दिन के अंदर अंदर आपको वो चीज आपके पास डिलीवर हो जाएगी, चाहे डिजिटल चाहे पेपर कॉपी। फिर वहां से जो है आपका पासपोर्ट का स्टेप शुरू होता है। सो इसके बाद आती है कैनेडियन पासपोर्ट की जो एप्लीकेशन है, वो भी सिंपल सी एप्लीकेशन है। आपको ऑनलाइन जाना है और उसकी एप्लीकेशन को फिलअप करके जो भी उसमें डिटेल्स मांगी हुई हैं आपने फिल डाउन कर देनी है उसके अंदर। उसके बाद जो आपको नॉर्मली ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी सिटीजनशिप का जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको चाहिए रहेगा, ओरिजिनल भी लेके जानी है, कॉपी भी लेके जानी है। उसके बाद आपको एक फोटो चाहिए होगी साथ के अंदर। उसके बाद आपको एक पीस ऑफ आईडी चाहिए होगी, जो फोटो आईडी होती है, जैसे लाइसेंस वगैरह हो गया, ये सब हो गया। तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप 5 साल का बनवा सकते हैं या 10 साल का। 5 साल का बनवाते हैं तो उसकी $120 की फीस है, 10 साल का बनवाते हैं तो उसकी $160 की फीस है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि इतनी इतनी फीस है। अब जब आप इस एप्लीकेशन को फिल कर रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को मैंने वहां लाइन में देखा जब मैं लगा हुआ था, मैंने इन पर्सन जो है मैं गया उसको एप्लीकेशन को फिल कर उसको भरने के लिए, सबमिट करने के लिए। आप वॉक इन भी कर सकते हैं अगर आप चाहें, ज्यादा नहीं 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। और अगर आप वॉक इन नहीं करना चाहते तो आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके भी जा सकते हैं, उसके अंदर आपके हो सकते हैं 30 मिनट से लेके 1 घंटे के आसपास लग जाए। बट हाँ, इतना टाइम लेके चलना कि इतना टाइम जो है पासपोर्ट ऑफिस में लग जाता है। और रही बात एप्लीकेशन टाइम, जब आप भर रहे होते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा वापस जाते हुए बीच लाइन में लगे हुए या नंबर आने के बाद भी वापस जाते हुए। रीजन क्या था उसका, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये कि उसके अंदर आपको 2 चाहिए होती है रेफरेंसेस, प्लस 1 चाहिए होता है आपको गारंटर। रेफरेंस तो आपकी कोई भी हो सकती है, जो भी लोग आपको पिछले 2-3 साल से जानते हैं वो आपकी रेफरेंस दे रहे हैं या ओके गुड है ठीक है। लेकिन जो आपका गारंटर होता है उसकी आपको पूरी डिटेल चाहिए होती है, उसके पास वैलिड कनेडियन पासपोर्ट होना चाहिए। सो ही शुड बी अ कनेडियन सिटीजन।
यू शुड नो हिम फ्रॉम लास्ट 2 to 3 years, ऐसा कुछ नंबर है वहां लिखा होता है फॉर्म में, तो आप उसको जानते होने चाहिए। आपको उसके पासपोर्ट की डिटेल चाहिए फॉर्म में भरने के लिए, तो ऐसा कोई बंदा जो आपको जानता हो, आपको ट्रस्ट करता हो, रेडी हो आपको अपने पासपोर्ट की डिटेल्स देने के लिए, क्योंकि हर बंदा नहीं आपको अपने पासपोर्ट की डिटेल मुंह उठा के दे देगा, राइट। तो इसलिए आपको ये चीज मेक श्योर करनी है कि ऐसा कोई बंदा जो आपको अच्छे से जानता हो, उसको पता हो कि आप कहां पढ़ते हो, कहां काम करते हो, आप कौन थे, कहां से हो, ये सब चीजें पता हो। क्योंकि मेरे केस के अंदर अगर मैं बात करूं, जब मैंने एज अ गारंटर के लिए किसी से साइन कराया और किसी की डिटेल्स मैंने उसमें ऐड करी, तो उनके पास फोन गया, उनसे पूछा गया कि मुझे वो कैसे जानते हैं, रीजन क्या है मुझे जानने का, कितने सालों से मुझे जानते हैं, मेरा नाम क्या है, मेरा लास्ट नेम क्या है, यहां तक कि मेरी फैमिली की इंफॉर्मेशन, उन्होंने ये तक पूछा कि मेरी हाइट कितनी है, मेरे आंखों का कलर क्या है, मेरे बालों का कलर क्या है, इतनी तक डिटेल वो लोग मांगते हैं। दे गो थ्रू वेरी की क्या कहते हैं, एक हार्श प्रोसेस है उनका। अब डिपेंडिंग ऑन किसके केस में किसी का डिफरेंट हो सकता है, मैं सिर्फ अपना आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि क्या था। तो गारंटर जो है, अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है तो आप उसकी डिटेल दे सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट मेक श्योर करना है कि उसके पास आपकी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर हो, कि अगर कॉल आता है एज अ गारंटर के तौर पे, तो वो उस कॉल को अटेंड करें पहले, तो प्लस जो इन्फॉर्मेशन सामने से मांगी जा रही है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। पासपोर्ट मिलने को ज्यादा टाइम नहीं लगता, 15 दिन के अंदर अंदर नॉर्मली आ जाता है पासपोर्ट। अगर आप थोड़ा अर्जेंसी में भरते हैं, यू हैव टू पे अनदर 20-30 bucks, तो $20-30 एक्स्ट्रा देने के बाद आपका पासपोर्ट 3 या 5 दिन के अंदर डिलीवर हो जाता है। तो आपकी मर्जी, अगर आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो आप 2 हफ्ते के पासपोर्ट का वेट कर लें, नहीं तो आप जल्दी भी मंगवा सकते हैं अर्जेंसी में। तो ये होगी पूरे के पूरे पासपोर्ट की प्रोसेस की बात। इसके बाद हम किसी और वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सरेंडर सर्टिफिकेट और OCI कार्ड की, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बहुत सारी मशक्कत हमको करनी पड़ी सरेंडर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए और OCI कार्ड के लिए। तो ये जो चीजें हैं हम आपको अगली वीडियो के लिए बताएंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। अगर कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग के अंदर आ रहे हैं प्रोसेस को लेके, क्या करना है, क्या नहीं करना, आप एलिजिबल हैं, नहीं एलिजिबल हैं, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताएं। और अगर रिसेंट में आपको सिटीजनशिप मिली है तो भी मेरे साथ ज्वाइन करें। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है HRD_Bhatia, और मेरे साथ कनेक्टेड रहें। बहुत सारी ऐसी वीडियोज आती रहेंगी और मिलते रहेंगे आपके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।